नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में, क्या न्यू अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सारी डिटेल यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। 21 दिसंबर की क्या न्यू अपडेट निकल कर आ रही है। पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब पेंडिंग जो एप्लीकेशन बता रहे हैं काफ़ी लोग के, तो उन लोग को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सैलरी आप लोग की जो दिसंबर की है, अब वो कम ना आए, क्या आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पर जो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जो भी यहाँ पर न्यू अपडेट है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे, 15,501 यहाँ पर कुल ज्वाइनिंग अभ्यर्थी का आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको इसमें वृद्धि, इसमें भी यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा, कुल पंजीकृत प्रतिष्ठान, ठीक है, कुल प्राकृतिक पद यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें पद यहाँ पर बढ़ चुके हैं और कुल ज्वाइनिंग अभ्यर्थी जो है वो भी यहाँ पर जो है इनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो मतलब यहाँ पर जो है अब इसकी कुल ज्वाइनिंग जो हो रही थी वो यहाँ पर जो है बढ़ चुकी है। तो आप लोग का यहाँ पर जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो आपको अच्छे से चेक करना है कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर पहले जो 14,000 बता रहा था वो यहाँ पर जो है 15,501 हो गया है। मतलब यहाँ पर जो है अब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है। अब बात कर लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की, कि क्या यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आप जैसे ही इसमें जाएंगे ना, अभ्यर्थी पंजीयन, ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर जो है आप लोग, मैंने योजना केवल जो किया है, इस योजना का पात्र रखती हूँ या रखता है, आगे बढ़े। यहाँ पर जब आप समरंग आईडी डालेंगे ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपकी समरंग आईडी है वही आपके आधार कार्ड में होना चाहिए और वही 10th की मार्कशीट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे जो है गलत नाम जो है डाल रहे हैं, समरंग आईडी में आपका करेक्शन हो और आप वही नाम ले लें, तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। जो आपके बैंक अकाउंट में, जो आपके आधार कार्ड में, प्लस जो आपकी 10th की मार्कशीट में, आप लोग को वही यहाँ पर जो है इंटर करना है। कैप्चा आपको डाल देना है, उसके बाद आपको सत्यापित पर आगे कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे, सारा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सीधी तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई किया था, पर OTP यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद आया, तो मैं इसलिए यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं इसमें फुल वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि यहाँ पर OTP आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर जो ये टाइम आउट हो जाता है, इस तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। अब बात कर लेते हैं अटेंडेंस की। तो जिन लोग यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग कर चुके हैं और जो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो उन लोग को अपनी अटेंडेंस किस तरीके से देखनी है। सबसे पहले यूज़र आईडी यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो है मैं यूज़र आईडी एक है वहाँ पर मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद मैं उपभोक्ता यहाँ पे जो भुगतान की स्थिति देखें, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें उपस्थित भुगतान की स्थिति, यहाँ पे पूरी आपकी जो है यहाँ पर शेड्यूल खुल चुका है। तो इसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन से मंथ का यहाँ पर आपको देखना है, कौन सी ईयर का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नवंबर मंथ का अगर आपको देखना है, आप सर्च करेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा, कितनी दिन की अटेंडेंस गई है, कितनी आपकी सैलरी बनी है, 25% जो कंपनी के साइड से आपको मिलता है वो कितना आपको दिया गया हुआ है, और गवर्नमेंट के साइड से जो 75% आपको मिलता है वो कितना यहाँ पर गया हुआ है। तो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। अटेंडेंस जब आपकी जाएगी 30 तारीख को, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर जो है आपको अटेंडेंस शीट अच्छे से देख लेनी है, कि आपने कितनी छुट्टी ली थी, आप कितने दिन प्रेजेंट रहे थे वर्क में, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे से चेकआउट कर लेनी है। नहीं तो बाद में यहाँ पर सैलरी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो आपको इस चीज़ का यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर आपकी सैलरी कब आएगी, तो आपको 7 से 8 तारीख के यहाँ पर जो है जनवरी को आपको सैलरी यहाँ पर जो है डाल दी जाएगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर जिन लोग का अभी भी पेंडिंग बता रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर जो है हम इसमें चले आते हैं, आवेदन की स्थिति देखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम आवेदन की स्थिति देखने में जाएंगे, तो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग ही बता रहा है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर व्यू में जाएंगे तो आपको खुद यहाँ पर वैकेंसीज कम देखने को मिलेगी, तो आप लोग को यहाँ पर जो है एक ईमेल एड्रेस है उस पर यहाँ पर आपको मेल कर देना इसका स्क्रीनशॉट, और आप कॉल भी कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो, आपको यहाँ पर जो है सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी थी जिससे यहाँ पर अप्लाई किया, 12 मंथ का यहाँ पर इंटर्नशिप था, जिसमें यहाँ पर जो योग्यता ग्रेजुएशन मांगा था, और कितना यहाँ पर स्टाइफंड मिलने वाला था, तो 10,000 यहाँ पर जो है मासिक, मतलब मंथ में आपको मिलने वाला था। अब यहाँ पर लोकेशन दिया गया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो है कहाँ पर शहर में, पूरा यहाँ पर एड्रेस देखने को मिला। कर्मचारी की संख्या 19 थी, जिसमें आवेदन आप देखेंगे कितने आए थे, तो 1500 प्लस आवेदन यहाँ पर आए थे, तो इस कारण यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो आप लोग का यहाँ पर नाम नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर जो अच्छे से आवेदन करना है, जो लोग न्यू आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है। पहले आप ये देखिएगा कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं या यहाँ पर जिस भी आप जिले से हैं, तो आप लोग का वहाँ पे वैकेंसीज है भी या नहीं है, नहीं तो आप लोग को यहाँ पर पेंडिंग ही बताएगा। तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें जो भी यहाँ पर न्यू अपडेट आएगी, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, यहाँ पर मॉर्निंग में इसमें वीडियो बनाऊंगा और आपको यहाँ पर जो पूरी तरीके से प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि OTP नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम मेरे को ही फेस हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
समरो आईडी में जो नंबर डाला है ना उस पर भी यहाँ पर ओटीपी आएगा, तो आपका नंबर भी वही होना चाहिए जो आधार कार्ड और समरो आईडी में। ठीक है फ्रेंड्स, सारी डिटेल्स मैंने आपको क्लियर कर दी है। अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह की सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।